द ओखला टाइम्स डॉट कॉम में आपका खैर मकदम है। अक्सर लोग दावत और इफ्तार में अमीर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ओखला में ये इफ्तार अनोखा हुआ जिसमें कूड़ा उठाने वालों के लिए दस्तखान बिछाया गया। ये इफ्तार दावत ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अबुल फजल इनक्लेव में हुआ। इत्तेफाक रखता हूँ और आप इस सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत शख्सियत है। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, स्टोरी नहीं। 1952 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, वो नासा आप जानते हैं, जो चांद में लोगों को भेजने के लिए रॉकेट वगैरह, जो स्पेस शटल वगैरह बनाते हैं, नासा में चले गए वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी जो है सफाई कर रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने, कैनेडी ने उनसे वहाँ से जाके उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हो? मैं कैनेडी हूँ, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं चांद में लोगों को भेजने के लिए मदद कर रहा हूँ। तो ये एक जवाब जो है, आप जो है यहाँ पे इस सोसाइटी में लोगों को रहने के लिए उसका लाइफ पॉसिबल आपके वजह से हो रहे हैं, और आप इस सोसाइटी के बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इम्पोर्टेंट हदीस है जिसमें ये बोलते हैं कि सबसे बदतर, सबसे वर्स्ट जो इनविटेशन वो होते हैं जहाँ पे गरीब लोगों को बाहर खड़े करते हैं और अमीर लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं, वो सबसे बदतर जो है ऑडियंस होते हैं, सबसे बदतर इवेंट होते हैं। मैं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को यहाँ बुला के वो इफ्तार के लिए कंसिडर किए और हमारे अहमियत वो समझें। तो मैं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को भी बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इस पर्टिकुलर इफ्तार में आप पार्टिसिपेट किए। हम सब अपना सोसाइटी में अपना भागीदारी कर रहे हैं, तब इसीलिए सोसाइटी आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा अल्लाह से दुआ है कि ये हमारे जो रिश्ता आगे भी चलते रहें, सोसाइटी आगे चलते रहें। चाचा इधर आ जाओ, चाचा थोड़ा सा इधर आ जाओ।